हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। सो गाइस, मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि आप अपनी गारमेंट्स आपके ऊपर एक वीडियो बनाए। तो अभी तो गारमेंट्स आपके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, अभी फिलहाल जो ये वीडियो है रैक के ऊपर है। मैं अपनी दुकान के लिए बनवा रहा हूँ एक खूबसूरत सा रैक। तो रैक कैसा लगेगा या लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरप्राइज, दिस इज न्यू रैक ऑफ माय गारमेंट शॉप। सो गाइस, पूरा का पूरा फिनिशिंग मैंने जो दिया है ये ग्लॉसी माइका का दिया है। ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है बट ये बहुत ही कूल दिखता है। अगर आप ग्लास नहीं भी लगवाएंगे तब भी एकदम ऐसा लगेगा जैसे ग्लास लगा हुआ है। और रैक के चारों तरफ मैंने 3 इंच की स्कर्टिंग दे रखी है। उसके बाद आप ये जो बीच में स्कर्टिंग देख रहे हैं ये करीब 2.25 इंच की है, क्योंकि इसमें लाइट जो है फिट करना पड़ा, लाइट जो फिट करना है। सो इसमें मैंने 3 इंच और 2.25 इंच की स्कर्टिंग दे रखी है। अभी इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ग्लास की फिटिंग कैसे की जाती है। और ग्लास की फिटिंग मैंने करवा रखी है। एक्चुअली क्या है ना, मेरा थोड़ा सा आउट एरिया में बढ़ जाता है, सो अब तो मुझे मजबूरी में आउट ग्लास लगवाना पड़ रहा है। और इसकी जो रैक वो सेल्फ जो है ये भी ग्लास का ही है। आप लोग देखिए, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। कैसा दिख रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। गाइस, जो मैं रैक बनवा रहा हूँ ये गारमेंट शॉप के लिए नहीं है। अगर आप ये गारमेंट शॉप के लिए बनवाना चाहते हैं तो ये सेल्फ है, इसके बीच की दूरी आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। एक्चुअली मैं ये जो बनवा रहा हूँ ये फैशन एक्सेसरीज जैसे चश्मा, टोपी और बेल्ट, परफ्यूम, एक्सेसरीज के लिए बनवा रहा हूँ। तो इसमें सेल्फ की जो डिस्टेंस है ये करीब 6.25 इंच से लेके 9.5 इंच तक है। बीच में जो डिस्टेंस है वो 6.25 इंच की है, और जो साइड में सेल्फ लगा हुआ है उसके बीच की डिस्टेंस 9.5 इंच की है। तो भाई लोग, कैसा लगा रैक का डिजाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा मुझको मोटिवेट कर देना। और जैसा कि आप लोग को पता है कि अगर आप कोई जगह देखना चाहते हो या मेरी गारमेंट शॉप की देखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको, उस जगह का या मेरी गारमेंट शॉप का मेंशन कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो वाइलो हो चुकी है मेरी रैक की फिटिंग, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।